हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गलत है, कुछ लोगों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड ज़्यादा रखना आपके पास गलत है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गलत नहीं होता, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखना क्या गलत होता है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले बात करते हैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने की जो एडवांटेजेस है उसके बारे में। नंबर वन, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा मतलब ज़्यादा क्रेडिट लिमिट आपके पास होगा तो आप इजीली कम से कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मेंटेन कर पाएंगे। नंबर टू, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब ज़्यादा क्रेडिट लिमिट। अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत हुआ तो वो आप यूज़ कर पाएंगे और बाद में उसको आप पे भी कर पाएंगे, तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है इमरजेंसी केस में। नंबर थ्री, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा। आजकल बहुत ज़्यादा डील आते हैं ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट बैंक से, तो आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो मैक्सिमम डील का बेनिफिट आप ले पाएंगे। नंबर फोर, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपके जो सिविल होगा उसमें एक कुछ दिन के बाद मतलब कुछ साल के बाद जो टोटल क्रेडिट एज होगा उसमें एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके सिविल पर ज़्यादा कार्ड का हो सकता है। नंबर फाइव, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होगा तो आपके सिविल के जो पेमेंट हिस्ट्री है उसको आप इजिली इम्प्रूव कर पाएंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, अब वो वीडियो देख लो तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। आप बात करते हैं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होने के जो डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में। नंबर वन, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब टाइम पे बिल पेमेंट करना है, सारे कार्ड का ड्यू डेट याद रखना है, बहुत चैलेंजिंग होता है ये, और अगर आपने एक भी पेमेंट मिस कर दिया तो आपके सिविल तो गया। नंबर टू, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब ज़्यादा क्रेडिट लिमिट। मैक्सिमम केस में ये सही होता है, पर कुछ बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देने से पहले ये चेक करता है कि आपके पास टोटल क्रेडिट लिमिट क्या है और आपके टोटल इनकम क्या है, और दोनों को कंपेयर करने के बाद डिसाइड करता है कि आपको नया क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देना है कि नहीं। तो कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब ज़्यादा क्रेडिट लिमिट होने के वजह से आपके जो नया कार्ड या फिर लोन का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। नंबर थ्री, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब ज़्यादा एनुअल फीस भी हो सकता है, मतलब अगर आप ज़्यादा कार्ड लेंगे एनुअल फीस वाला तो एक साल में आपके एनुअल फीस में बहुत ज़्यादा पैसा जा सकता है। ये तीन मेन डिसएडवांटेज था ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने का। और भी कुछ है जैसे कि ज़्यादा कार्ड होने से आप ज़्यादा स्पेंड कर देंगे, पर ये मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसमें कार्ड का कोई दोष मेरे ख्याल से नहीं है। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।